प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवीत्रैकपाणै ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ॐ प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। श्रीमद् भगवद्गीता का अध्ययन कर रहे हम लोग शंकर भाष्य के आधार पर, और कल हमारा 14वां अध्याय पढ़ करके पूरा हो गया था और 15वां अध्याय आज पढ़ना है। ये विशेष ही माना जाता है, एक प्रकार गीता की परिसमाप्ति यहाँ पर हो रही है, क्योंकि इसके बाद 16-17 परिशिष्ट के समान है और 18वें में पूरी गीता का सार साधना की दृष्टि से बोला है। अब ये 15वां अध्याय जो है ना, क्रमिक तो गीता के हर अध्याय हैं और इसलिए ये 14वें अध्याय के बाद 15वां अध्याय है। तो 14वें अध्याय में हमने आखिरी दो श्लोकों में विशेष ही बात सुनी थी और उसका सातत्य 14वें अध्याय में जो अवतार योग भगवान ने बताना शुरू किया उसके समाप्ति में था। और सवाल था अर्जुन का कि गुणातीत के लक्षण इत्यादि तो सुन लिए थे, परंतु गुणातीत होता कैसे, क्या साधना है जिससे आदमी गुणातीत हो जाता है। और उसके जवाब में भगवान ने बोला था कि मेरी जो अव्यभिचारिणी भक्ति से भक्ति करता है वो गुण से पार चला जाता है। अब यहां मेरी माने दो अर्थ हो सकते हैं, एक तो अवतार के माध्यम से और दूसरा ईश्वर की, जिसे हम सगुण ब्रह्म ईश्वर कहते हैं। ब्रह्म निर्गुण इसका भाव शुरू में उसमें नहीं होता है, परंतु उसकी भक्ति जब अव्यभिचारिणी करते हैं तो वहां पहुंच ही जाते हैं। और फिर इसमें जो हेतु है कि ऐसा कैसा कह रहे हैं आप कि आपकी भक्ति करने से रुग्णातीत हो जाता है आदमी, इसका कनेक्शन क्या है। तो वहां पर भगवान ने एक अद्भुत बात बताई थी कि मैं तो ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं। और ये प्रतिष्ठा हम लोगों ने कैसे समझी थी कि जिसे अंग्रेजी में लोकेशन कहते, यानी वो स्थान जहां हमको ब्रह्मानुभूति हो सकती है। अब जगत प्रसिद्ध स्थान तो हमारा हृदय ही है, हृदय में हमें भगवत प्रतीति, भगवान का पूर्ण ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान सब हो जाता है। परंतु जिसको ये अपने मन को लौटा करके हृदय में लाना मानव संभव नहीं है, तो ऐसा कौन सा स्थान है प्रतिष्ठा कि जिसको सोचने से, लोकेशन कि जिसको सोचने से हमें ब्रह्मानुभूति हो सकती है बाहर, वो है अवतार। ये 14वें अध्याय का अंत कल हमने देखा था कि मेरी अभिविचारिणी भक्ति करो तो गुणातीत हो जाओगे, क्योंकि मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं। तो प्रतिष्ठा का यही अर्थ है कि जहां पर ब्रह्म रहता है, यानी ब्रह्म सर्वत्र है, परंतु जहां पर सोचने से हमें ब्रह्मानुभूति हो सकती है, हृदय में और अवतार में। और ये हम लोगों ने कई उदाहरणों में भी देखा है। अब जैसे श्री राम कृष्ण और उनके एक भक्त हुए गिरीश चंद्र घोष, तो इनका मन अंतर्मुख होना संभव नहीं था, परंतु श्री राम कृष्ण के प्रति उनके आचरण से जो भी बोलो उनके मन में ये धारणा उत्पन्न हो गई कि ये तो भगवान है।
अब उस धारणा के बल पर यानी श्री राम कृष्ण को देख रहे तो ब्रह्म को देख रहे, ऐसा ही हर एक के जीवन में जिसकी मन की वो गति हो उसके जीवन में हो जाता है। ये श्री श्री राम कृष्ण लीला प्रसंग में कई बार बताया, उसमें एक उदाहरण जो दिया है कि मान लो अनंत आकाश है, श्री राम कृष्ण ने उदाहरण दिया, और एक दीवार है कंटिन्यूअस, तो हम जब दूर से देखते हैं तो हमें आकाश नहीं दिखता, दीवार ही दिखती है। अब उस दीवार में दूर से दिख रहा है कि कुछ झरोके हैं, और हम किसी भी झरोके के पास चले जाते तो हमको अनंत आकाश दिखता है। ये झरोके माने अवतार, इससे ये स्पष्ट होता है कि अवतार एक ऐसा लोकेशन है कि जहां पर देखने से, अब ये देखना माने जैसे लीला प्रसंग में कहा, इसको ऊपर नीचे उठाना तोलना यानी अच्छे प्रकार से इसका विश्लेषण करना, ये देखना, तब हमको अनंत दिखाई पड़ता है। ये चौथे अध्याय में बताया था। अब यहां से संबंध लगा करके आचार्य जो है 15वें अध्याय का संबंध हमको बता रहे, यस्मात् चूंकि मद अधीनम कर्मिणाम कर्म फलम, वहां पर भाष्य में आचार्य ने जो अध्याय में जोड़ दिया था कि चाहे कर्मी हो चाहे ज्ञानी हो, अगर भक्त हो तो पहुंचेगा ही, तो इसी का संबंध यहां पर बता रहे हैं कि कर्मी को कर्म का फल तो मैं ही देता हूं, ज्ञानी नाम च ज्ञान फल, और ज्ञानियों को ज्ञान का फल मुक्ति ये भी मैं ही देता हूं। तो इसलिए भक्ति योगे न माम ये सेवन दे, भक्ति योग यानी भक्ति को ही भगवान प्राप्ति का साधन बना लिया, तो इस भक्ति योग के द्वारा मेरी जो सेवा करता है, सेवन तो माने सेवा नहीं होता है, सेवा भी होता है, मेरा आश्रय लेता है, मुझे बचता है, बस सेवन ते मत प्रसाद। अब उनके अंदर का जो भगवत तत्व है, बाहर का भीतर का, ये प्रसन्न हो जाता है, प्रसन्न माने कृपा हो जाती है इसकी, इसकी कृपा होती है माने उसका अंतकरण पूरा खुल जाता है। क्रम बताया इसमें भक्ति से कैसे होता है, भक्ति से कर्म का फल भगवान के हाथ में, ज्ञान का फल भगवान के हाथ में, तो हमने भक्ति की भगवान की भक्ति को साधन रूप में यूज किया तो भगवान प्रसन्न हो गए, पहली बात हो गई। भगवान जब प्रसन्न हो गए तो फिर हमें क्या हुआ, भगवत तत्व का ज्ञान हो गया, हमें ज्ञान प्राप्ति क्रमेण, फिर हम गुणातीत हो गए, और जब गुणातीत हो गए तो मोक्ष हो गया हमारा, ये क्रम। अब इसमें मत प्रसाद ज्ञान प्राप्ति बोला है, आचार्य का एक ग्रंथ है अपरोक्षानुभूति, और इसमें आचार्य लिख रहे कि अपने अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो हमें साधन चतुष्टय आ जाता है, और तब हमारी प्रगति होती है, ये लिखा है वो अपरोक्षानुभूति ग्रंथ। तो इसलिए ये भगवत तत्व, अब इसको थोड़ा सा फिलोसफी करो, माने द्वैत बोध से लग रहा है, परंतु इसको अद्वैत बोध में लो, भगवान हमारे अंदर होते हैं, हमारे अंदर दो चीज है, एक हम इंडिविजुअल है व्यष्टि, एक विशिष्ट शरीर मन में चेतन का प्रकाश, परंतु कहां से आया है ये समष्टि तत्व से ही व्यष्टि आया है, तो समष्टि तत्व हमारे भीतर है, यानी हम जब भगवान की ओर जाने की कोशिश करते हैं तो पहले समष्टि तत्व में आते हैं और फिर भगवान का ज्ञान होता है,
तो अब एज एन इंडिविजुअल तो हमें क्या है, अहंकार स्वार्थ संकुचितता भोगवृत्ति ऑटोमेटिक इंडिविजुअल के लिए। अगर इससे विपरीत हमको कुछ भी दिखाई पड़ता है तो हमारे भीतर जो समष्टि तत्व है उसका प्रकाश है, इसी को कहेंगे भगवान की कृपा। ठीक है, ये अद्वैत में भगवान की कृपा की व्याख्या हो जाती है। तो खैर इतना भक्तों ने नहीं सोचा है भगवान के, जो उसको भगवान की धारणा है तो हमने उनको भक्ति योग किया है और भक्ति योग से भगवान का प्रसन्न हुए, ये प्रसन्नता कार्य। तो वहां पर जो बोला भगवान प्रसन्न होने से साधन चतुष्ट, तो सारा साधन चतुष्ट तो समष्टि के वक्त से निकला है। तो ये फिर ज्ञान प्राप्ति क्रमेण गुणातीता मोक्षम गच्छन्ति। अब आचार्य का अपना एक ट्रेंड है, यानी वो निर्गुण के विशेष उपासक, तो कहते हैं किमु वक्तव्य, माने ऐसा जब हो जाता है भगवान की कृपा से। 12वें अध्याय में भी उन्होंने बोला था कि जो अव्यक्ति की उपासना करते हैं उनको मुश्किल है, और मेरी उपासना करते हैं तो मेरी जिम्मेवारी हो जाती है, मैं उनको उठा लेता हूँ। वहां पर भी उन्होंने यही बोला था कि स्वतंत्रता से भी जा सकता है। तो यहाँ पर कह रहे किम वक्तव्य, आत्मना तत्वम एव सम्यक विजानंत, जो आत्मा का स्वरूप सही प्रकार से जानता है उसकी तो बातें क्या है। मैंने उसको भगवान की भक्ति और भगवान की कृपा इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये कहना है उनका। तो जो भी हो इति अतो, इसलिए भगवान अर्जुन ने अपृष्टम अपि आत्मना तत्व विवक्ष हुआ च। अब ये जो आत्मना तत्व है ना, ये दो प्रकार से, और भगवान प्रतिष्ठा है ना, यानी आत्मा का स्वरूप, अवतार का स्वरूप, ये आत्मना तत्व। भगवान आत्मना तत्व अर्जुन को बताने लगे, तो आत्मा का तत्व अपना तत्व। अच्छा अच्छा, भगवान अपना तत्व। हाँ, अर्जुन ने पूछता भी नहीं है, अर्जुन ने पूछा नहीं है, फिर भी अपना ही तत्व बताने लगे, आत्मा का तत्व बताने लगे। दोनों अर्थ हो सकते हैं। विवक्षु मैंने प्रकट करने की इच्छा से हुआ च बोले, जो पहला श्लोक है उर्दू मूलम इत्यादि। अब पहला जो श्लोक है इसका एक इंट्रोडक्शन होगा, ये पूरे अध्याय का इंट्रोडक्शन ये हो गया। अब पहले श्लोक का इंट्रोडक्शन होगा कि इसमें दुनिया के बारे में वृक्ष की कल्पना की गई है। तो ये क्यों की गई है, तत्र तावत, तत्र माने उस कॉन्टेक्स्ट में पहले वृक्ष रूप कल्पनाया वैराग्य है तो संसार स्वरूप मरण थी। वृक्ष रूप की कल्पना करके संसार का स्वरूप वैराग्य के लिए बताया, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत चाहे भक्ति योग से करो चाहे ज्ञान योग से करो वैराग्य से ही होती है हर बार। तो इसलिए पहले वैराग्य ये वृक्ष रूप कल्पना से बताया, क्यों विरक्त से ही संसार है भगवत तत्व ज्ञाने अधिकारो न अन्य, ये स्पष्ट कर दिए, स्पष्ट कर दिए कि अगर वैराग्य न हो दुनिया के प्रति तो भगवान का तत्व जानने का अधिकारी ही नहीं हो। बिना दुनिया के प्रति वैराग्य हुए भगवान का स्वरूप, अब यहां भगवान का स्वरूप भगवान बोला है, तो भगवान माने आत्मा, आत्मा माने ब्रह्मा, भगवान माने मेरा स्वरूप, भगवान माने सबका स्वरूप, कुछ भी अर्थ ले लो, पर ये स्वरूप का ज्ञान होने के फिटनेस ही नहीं आती जब तक वैराग्य नहीं होता। ये भक्त भक्त कहलाने वाले, ज्ञानी कहलाने वाले सबके लिए एप्लीकेबल है। ज्ञान खाली बुद्धि से होता है, उसको कुछ नहीं होता।
और भक्ति खाली एक इमोशन के रूप होती है, उसको कुछ नहीं होता। दुनिया के प्रति वैराग्य जब तक नहीं होता तब तक भगवान को जाने का अधिकार नहीं होता। कितनी भी भक्ति कर ले, अगर वैराग्य नहीं है तो ज्ञान का अधिकारी नहीं होता, स्वरूप भगवान का ग्रहण हो गई। श्री भगवान वाच, ये पंचदश अध्याय याद करने के लिए भी पॉपुलर है दो कारणों से। कुछ लोगों का कहना है कि सबसे छोटा है इसलिए याद करने को, अगर कलेवर में सबसे छोटा देखो तो 12वां है। 12वें अध्याय में भी 20 श्लोक है, 15वें में भी 20 श्लोक है, परंतु 12वें के सारे श्लोक अनुष्टुप है और इसमें काफी श्लोक बड़े हैं लंबे, तो बिल्कुल छोटा नहीं है ये। परंतु इसको भगवान ने अंत में बोला है कि मैंने तुझे शास्त्र सिखा दिया। तो आचार्य का कहना है कि पूरा गीता शास्त्र है, पर 15वें अध्याय को शास्त्र कह दिया है। अब इसमें एक और चीज हो सकती है कि चैप्टर तो भगवान ने नहीं बनाए, इसलिए 15 अध्याय तक शास्त्र पूरा हो गया, ये भी हो सकता इति है। अब आचार्य का कहना है कि यह वैराग्य की बात आई, इसलिए ये पूरा शास्त्र, वैराग्य से लेके भगवत प्राप्ति तक की बात है, इसलिए ये शास्त्र। तो इसलिए साधु लोगों में रामकृष्ण मिशन को छोड़ करके साधु लोगों में देखो शास्त्र जो है ना, उसको तुम एक जानकर रखो ज्ञान के लिए। भोजन करते में कभी भी शास्त्र का मंत्र श्लोक नहीं बोलना होता, कभी भी नहीं, क्योंकि भोजन करना माने हमारा उच्छिष्ट हो गया है और उच्छिष्ट मुख से शास्त्र का उच्चारण नहीं करते, कभी नहीं करते। कभी कभी ऋषिकेश में एक साधु एक शताशतर का श्लोक बोलता था, गलती उसकी थी, जो भी हो। अब ये हो गया उपनिषदों के बारे में, शास्त्रों के बारे में। अब गीता रही, तो गीता का उच्चारण खाने के पहले कर लेते हैं, ये उद्देश्य। जैसे साधु में प्रचार इस प्रकार है कि परोसना शुरू हुआ कि ऊर्ध्वमूल मद्धशाखम सब साधु मिलकर के बोलते हैं, और वो जब पूरा हो जाता है, परोसना पूरा हो भी गया हो तो भी, वो जब पूरा हो जाता है तब खाना शुरू करते हैं। अब आपने यहां किसी दिन एक दिन देखा कोई विशेष भंडारा था, विशेष ओकेजन था कि परसना शुरू किया, उर्दू मूलम बढ़ना शुरू कर दिया, और उर्दू मूलम होने के बाद फिर ब्रह्मार्पण शुरू कर, ठीक है, प्रथा है कल। तो ये श्लोक भगवान का, श्री भगवान वाच उर्दू मूलम अदशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेद वेद। ये पहले लाइन में सारा बहुव्रीहि समास, यानी दुनिया के दुनिया का वर्णन है। उर्दू मूलम, जिसका मूल उर्दू है, ऐसी दुनिया, ठीक है। अब ये उर्दू मूल क्या है, मूल है तो फिर एक पेड़ का कल्पना है, और ये पेड़ जैसे कल्पना करो तो ऊपर से लटकाया हुआ पेड़ है, इसका मूल उर्दू है। अब उर्दू का अर्थ आध्यात्मिक दृष्टि से अगर लेना है तो ये फिजिकली ऊपर नीचे नहीं होता, श्रेष्ठ ये अर्थ है। और मूल क्या है, ब्रह्म, ब्रह्म से दुनिया निकली, तो इसका जो मूल है वो श्रेष्ठ है। इसका अर्थ यही हुआ कि जो हमको दिख रहा है वो कनिष्ठ है, ये इसका इम्प्लीकेशन हुआ।
फिर वो बोल भी अध: शाखा नीचे, शाखाएं नीचे है, अभी नीचे में ऊपर नीचे बहुत होता है, नीचे में ऊपर नीचे बहुत होता है, बाद में बोलेंगे भी दूसरे श्लोक में, यानी हमारे यहाँ स्वर्ग, देवलोक, मृत्यु लोक, पाताल लोक, फिर आपस में ब्राह्मण क्षत्रिय विशेष शूद्र, ऐसा ये नीचे बहुत ऊपर नीचे होता है, पर वो सारा ही नीचे मूल के गल दुर्गा में ऊर्ध्व मूलम अधशाकम, तो अधशाकम का ये अर्थ हुआ कि बहुत सारा नीचे फैला हुआ है, ऊपर नीचे अश्वत्थम। अब ये अश्वत्थ किसका नाम है जो फिलोसॉफी के लिए? अश्वत्थ जो कल था वैसा आज नहीं रहता, आज है वैसा कल नहीं रहेगा, तो ये अब आज है तो क्या रात में बदल जाता है क्या? प्रतिक्षण परिवर्तनीय है, ये इस दुनिया का स्वरूप है। अब इसमें अश्वत्थ अगर हमने फिजिकली पीपल मान लिया, बाद में वर्णन इसका बरगद जैसा आएगा, वट वृक्ष जैसा आएगा, तो ये कोई रूपक कल्पना है, ये अश्वत्थ है, ये यानी प्रतिक्षण परिवर्तनीय है, यहां दुनिया बदलती है, इसी का नाम दुनिया है। प्राहु, प्राहु तो हमेशा ज्ञानी लोग ही कहते हैं, अव्यय। मजा यह है कि प्रतिक्षण बदलता है पर खत्म ही होता, कभी खत्म होगा ही नहीं, घटता भी नहीं, कहते बढ़ता भी नहीं, बदलता रहता है। यानी संसार में हम फंसे हुए तो इसका अंत अपने आप नहीं होता ज्ञान के बिना, इसलिए अव्यय। ये ब्रह्म अव्यय नहीं है, ये दुनिया अव्यय, प्रवाह रूपण नित्य कहते, ठीक है। अब कहते यस्य छंदांसी परिणामी, अब ये पेड़ की कल्पना है, पेड़ श्वास किससे लेते हैं, जीते किससे मालूम है ना, पत्तियों से। तो छंद जो है यानी वेदों के शब्द, कर्मकांड, छंद माने वैदिक कर्मकांड, तो ये कर्म के आधार पर कंटिन्यूस होता है। ये आदमी कर्म करता है फल पाता है, फिर कर्म करता है फल पाता है, ऐसे ये दुनिया कंटिन्यूस है। ऐसा जिसने जान लिया, उसने वेदों को जान लिया, बस वेदों का जो कर्मकांड है, वेदों का जो भी है वो इसी में है, बस इस संसार के वर्णन में। ऊर्ध्व मूलम, अब ऊर्ध्व माने आचार्य बताए, कालतः सूक्ष्मत्वात् कारणत्वात् नित्यत्वात् महत्वाच्च ऊर्ध्वम उच्चते ब्रह्म। कालता, कालता माने पहले ब्रह्म है फिर दुनिया निकलती है, कालता ऊर्ध्वम हो गया है ना, दुनिया से ब्रह्म नहीं निकलता, ब्रह्म से दुनिया निकलती, तो कालता ब्रह्म ऊपर है, श्रेष्ठ है। सूक्ष्मत्वात्, और ब्रह्म जो है ये सूक्ष्म है, हमारे इंद्रिय मन से परे, और दुनिया हमारी स्थूल है, तो इसलिए उस दृष्टि से भी ब्रह्म जो है वो ऊपर है। कारणत्वात्, और मुख्य तो ये कि ब्रह्म कारण है, दुनिया कार्य है, इसलिए श्रेष्ठ है। और नित्यत्वात्, ब्रह्म अनचेंजिंगली रियल है, न बदलते हुए नित्य, और इसको नित्य नहीं कहते, प्रवाह रूप से नित्य अलग है, क्षणभंगुर है, बदलता है, वो नित्य है, इसलिए भी ऊपर है। महत्व, वो बड़ा है, दुनिया कितनी भी बड़ी हो
ब्रह्म से बड़ी नहीं है। तो इतने कारणों से ब्रह्म को उर्ध्व बोला है, कालता सूक्ष्मत्वात् कारणत्वात् नित्यत्वात् महत्वाच्च उर्ध्वम उच्चते, ऊपर कहा गया ब्रह्म। यहाँ पर ब्रह्म शब्द नहीं, आचार्य ने प्रकट कर दिया उर्ध्व मूल क्या है, ब्रह्म। अव्यक्त माया शक्तिमत तद मूलम, यानी ब्रह्म से दुनिया निकलती है, ऐसा फिजिकल कार्य कारण नहीं है। आकाश से वायु निकलता है, वायु से निकलता है, पर ब्रह्म से आकाश जो निकलता है वो ब्रह्म में कोई फिजिकल चेंज होके नहीं निकलता। तो क्या निकलता है, ब्रह्म के पास माया शक्ति है, और माया शक्ति का अर्थ होता है नाम और रूपों में से प्रकटने की शक्ति, ठीक है। तो ब्रह्म में बदलाव कुछ नहीं हुआ, निकला पर ब्रह्म से। और अव्यक्त माया शक्ति, अव्यक्त माने शक्ति हमको नहीं दिख रही, उसका कार्य दिख रहा है खाली, और पूरी दुनिया पहले अव्यक्त है, वो इस माया शक्ति से व्यक्त हो जाती है। तो इसलिए ब्रह्म जो ऊपर है वो अव्यक्त माया शक्तिमत, ऐसा वो मूल है। ब्रह्म विद माया शक्ति ये मूल है इस दुनिया का। ब्रह्म से कोई भौतिकता निकलता नहीं है। मूलम अस्य इति स अयम संसार वृक्ष ऊर्ध्व मूल, ये संसार का वृक्ष है, मूल इसका ऊपर है। श्रुतेच, अब श्रुतेच जो है ना, यानी भगवत गीता को उपनिषद सार कहते हैं सारे उपनिषदों का, पर इसमें मैक्सिमम प्रभाव कठोपनिषद का दिखता है, मैक्सिमम। तो ये कठोपनिषद का श्लोक ही दूसरे शब्दों में आया है। श्रुतेच ऊर्ध्वमूलो अवाक्षाकार येषो अश्वत्था सनातना, ऐसा है कठोपनिषद का मंत्र है। तो उसी अर्थ में इसको लेना है इति च। अब यही बात, पुराण क्या है, पुराण ये च, तो पुराण चीज क्या है, पूरा भी नवयव तो ब्रह्म को ही बोलते हैं। ब्रह्म को जहां पुराण बोलते हैं उसका अर्थ पूरा भी नवयव है। बाकी हम जिनको पुराण शास्त्र कहते हैं वो क्या है, उनका स्वरूप क्या है, स्वामी विवेकानंद को पढ़ो, हिंदुइज्म एंड रामकृष्ण का जो ऐसे है, वेदांत के तत्व सूक्ष्म है सारे। अब इनकी धारणा नहीं हो सकती सबको, बहुत कम लोगों को होती है, तो उसी को कहानियों के रूप में बताना ये पुराण है। अब ये कहानी होने से क्या होता है, इसमें हमको हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं ढूंढना चाहिए, फिर बड़ी गलती हो जाएंगी, है ना। इतिहास और पुराण ऐसा हमारे यहां शब्द है, इतिहास अलग निकालते हैं, रामायण और महाभारत तो इतिहास का है, बाकी भागवत महापुराण ये पुराण। तो पुराण ये हमें जिस रूप में उपलब्ध है ये छठी सातवीं शताब्दी से पहले नहीं है, बहुत ऑर्नामेंटल लैंग्वेज है, गीता जैसी सिंपल लैंग्वेज नहीं है इनकी। परंतु पुराण ये चीज जो है ना ये वेदकालीन है। छांदोग्य उपनिषद में नारद को सनत कुमार पूछ रहे कि तुम क्या जानते हो बताओ, सब मैं बताऊंगा तुम। तो उनका कि मैं चारों वेद पढ़ाऊ और इतिहास और पुराण जो पांचवा वेद है वो भी पढ़ाऊ। तो पुराण तब से, यानी जब हम ज्ञान किसी को सूक्ष्म तत्व के रूप में नहीं दे सकते तब हम कहानियां बनाते, ज्ञान वही देना है, ये पुराण। तो इसलिए पुराण में फैक्चुअल ट्रुथ ढूंढने नहीं जाता,
वेदों का जो प्रामाण्य है उसके अधीन पुराणों का प्रामाण्य होता है। यानी वेदों से विरुद्ध कुछ पुराण कह दिया तो वो प्रमाण नहीं। तो यहां पर आचार्य पुराण का संदर्भ दे रहे हैं, पुराणे च। क्यों दे रहे हैं? कि पुराण में जैसे फुला फुला करके कहा गया है ना, तो ये ऊर्ध्वम बुलम अधोशाखम को पुराण में खूब फुला दिया, पूरा एक्सपेंड कर दिया। ठीक है, अव्यक्त मूल प्रभाव, अव्यक्त यानी वही अप्रकट है, ये शुरू में इस मूल से उत्पन्न हुआ है प्रभाव। तस्य अनुग्रह तिथा तस्य अव्यक्तस्य, अव्यक्त परमात्मस्य, उसी के कृपा से उत्पन्न हुआ है। बुद्धि स्कंदमय शैव, यहां बुद्धि माने जो समष्टि बुद्धि, मत जिसको कहते हैं, ये इसका ताला स्टेम है। इंद्रियांतर कोटरा, इंद्रियांतर माने इंद्रियांतर का एक अर्थ होता है विभिन्न इंद्रिय। अब ये क्या है, पेड़ है ना, तो बीच बीच में उसमें कोटर बने हुए हैं, ये इंद्रिया है मेरी। महाभूत विशाखश्च, महाभूत माने पंच महाभूत, तो शाखा की जो प्रशाखा होती है विशाखा, ये पंच तत्वों से बनी है। विषय यही पत्र वंशता, और जो विषय बने हुए हैं ये पत्ते, मैंने विषय सेवन से ही पढ़ रहा है ना। धर्म धर्म सुपुष्पश्च, फिर पुण्य पाप जो आदमी करता है ये फूल है। सुख दुख फलोदय, फिर फलों का जो उदय होता है वो सुख और दुख रूपी फल है। पूरे संसार का वर्णन चल रहा है। आजीव्या सर्वभूता नाम, सारे भूत इसी पर जीविका करते हैं। ब्रह्म वृक्षा सनातना, ये सनातन है, ब्रह्म ही पेड़ है। एतद् ब्रह्म वनम चैव, अब ये जो वृक्ष है ना, तो ये सारे वृक्ष हैं, इसलिए ब्रह्म वन कह दिया इसको। ब्रह्मा चरति नित्यशा, ब्रह्मा ब्रह्मा नित्यशा ब्रह्मा रहता है इसमें परमानेंटली, उसी का घर परमानेंट है यहां पर, बाकी सब आने जाने वाले है। ये तो छित्वा च भीतवा च ज्ञान है ना परमासीना, यानी अपने आप नष्ट होने वाला नहीं, ज्ञान की परम तलवार कुल्हाड़ी लेकर के इसको छिन्न भिन्न कर दो, ततश्च आत्मरतिम प्राप्य, तब आत्मा के प्रति प्यार उत्पन्न होगा। तस्मात् नावर्तते पुनः, और आत्मा प्राप्त हो गया तो वापिस नहीं आएगा, ऐसा पुराणों में इसका ग्राफिक वर्णन कर दिया इत्यादि। ठीक है, तत् ऊर्ध्व मूलम संसार मायामयम वृक्षम। ठीक है, संसार रूपी जो माया है यही पेड़ है वो। अधशाखम, अब ये नीचे देखो, हाँ, उस प्रकृति से निकला ना मत अहंकार तन्मात्रा दया शाखा युव शाखा, शाखा के समान प्रकृति से मत निकला, उससे अहंकार निकला, उससे फिर पंचभूतों की तन्मात्राएं निकली, ये दुनिया बन गई। अस्य अधो भवन्ति, हाँ, इति सा अयम अधशाखा, तम अधशाखम न श्वा अपी स्थाता इति अश्वत्थ, कल भी नहीं रहता है इसलिए अश्वत्थ है। तम क्षण प्रध्वंसी नम, एक अर्थ वो क्षण प्रध्वंसी है ना। अश्वत्थम प्रभु कथयन्ति अव्ययम, अव्यय है नम, अव्यय क्यों ही समझा रहे हैं, संसार मायामयम, ये
कुछ गलती है हाँ? माया भयम, इसमें क्या है? संसार माया, माया भयम, ये संसार संसार माया। देखो मैंने कुछ मार्जिन में लिखा है, ठीक है, संसार माया से बना हुआ अनादिकाल प्रवृत्त तत्व, कब शुरू है इसका कोई ज्ञाति नहीं है। सायम संसार वृक्ष अव्यय, अव्यय का अर्थ समझा रहे अनादि अनंत देहादि संतान आश्रय, संतान माने संतति कंटिन्यूएशन, देह के बाद देह के बाद चलते ही रहता है, ये ऐसा अनादि अनंत है। सुप्रसिद्ध अव्ययम, इसलिए ये प्रसिद्ध ही है कि खत्म नहीं होने वाला। तस्य वो संसार वृक्षस्य इदम् अन्यद् विशेषण, दूसरी लाइन में अब ये बहुरी समास के रूप में हो गया, विशेषण के रूप में। छंदांसि छादनात् ऋग्यजुः साम लक्षणानि, छादनात् माने पत्ते इसको कवर कर देते हैं ना, ऐसा ये ऋग्यजुः साम, जब ये कर्म का सवाल आते है तो त्रयी त्रयी हो जाते है, अथर्ववेद को नहीं गिनते। यस्य संसार वृक्षस्य पर्णानि, वो पर्णानि मानव पत्ते हैं। यथा वृक्षस्य परिरक्षणार्थानि वर्णानि, वृक्ष के रक्षण के लिए पत्ते होते हैं, तथा वेदाः संसार वृक्ष परिरक्षणार्थ धर्माधर्म तद हेतु फल प्रकाशनार्थत्व, क्योंकि वेद हमको पुण्य पुण्य समझाते हैं और पुण्य पुण्य कर्म करने से फल होता है ये बताते हैं, इसलिए ये पत्तों के समान है। यथा व्याख्यातम संसार मूलम समूलम या तम वेद सवेदविद वेदार्थविद इति अर्थात, यानी जैसे अभी तक हमने वर्णन किया ऐसा अगर जान लोगे तब तुम वेद जानते हो। आचार्य करे वेद जानते हो माने रट लेंगे बहुत, पर वेदों का अर्थ जानते हैं ये लोग नहीं। संसार वृक्षात अस्मात् समूलात् नया अन्या अनुमात्रम अपि अवशिष्ट अस्ति, अभी ये जो संसार वृक्ष है और इसका मूल, ये जानना छोड़कर क्या जानने बताओ, ठीक है, संसार अनित्य है इसका मूल श्रेष्ठ है, अणुमात्र भी अवशिष्ट नस्ती, कुछ जरा भी बाकी नहीं बचता है, इसलिए कहा है कि सयो वेद अर्थविद इति समूल वृक्ष ज्ञान स्तुति। समूल वृक्ष ज्ञान माने ऊर्जमूल मूल सहित वृक्ष का ज्ञान की स्तुति है कि यही वेदवेद हो गया। अब इसका वर्णन है, अधश्चोर्धम प्रसुतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्ध विषय प्रवाला, अधश्च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके, इसकी शाखा ऊपर नीचे फैली हुई है, ठीक है, जैसे बताया भी स्वर्ग लोक मृत्यु लोक ये सारे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र गुण प्रवृद्ध ये माया के जो सत्व रजतम गुण है ये इसको फैला रहे हैं वृक्ष। विषय प्रवाला प्रवाल माने
विषय माने ऑब्जेक्ट्स है ना, प्रवाल माने ये शाखाओं से जो डंडियां निकलती है, शाखा उपशाखा होगी किंतु उससे जो पत्ते वगैरह निकलेंगे ना तो ऐसे एक शूट नहीं होती, वो प्रवाल अंकुर। अब अदृश्य मनानी अनुसंततानी ये वर्ग जैसा वर्णन हो गया, यानी हमने कर्म किए तो कर्म किए तो हमारा फिर जन्म होगा। अभी ऊपर का मूल है क्या, ये मूल हो गए नए संततानी, ये फैले हुए बिल्कुल, ठीक है। कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके कर्मानुबंधिनी अदृश्य मूलानी संततानी, मनुष्य लोक में कर्म लोक है और कहीं कर्म नहीं होता, ये मालूम है तुमको क्यों? स्वतंत्रता है, कुछ करने बुद्धि है लोग। मैं कहता हूं ये कर्म है मूल, है ना, ये कहीं नहीं है। अब देवताएं, तो देवताओं के तो नियमबद्ध जीवन है, ऐसे कर्म का ऐसा फल तुमको देना ही पड़ेगा, ठीक है। ये जैसे डेकोरेटिव है ना गवर्नर, तो गवर्नर को पावर कुछ नहीं। अब हम नीचे जाते हैं जब पशु वगैरह, इनका इंस्टिंक्ट लाइक है, मैं कर रहा हूं इसे बोधपूर्वक नहीं, इसलिए मनुष्य जन्म ही कर्म भूमि है, मैं करता हूं बुद्धिपूर्वक करता है, ये ज्ञान भूमि है, ये साधना करके भगवान के पास जा सकता है, इसलिए ये मनुष्य लोक का इंपॉर्टेंस बता रहे। मनुष्य लोक में कर्म करते हैं और उसके अनुबंधी में बंधे हुए फिर नीचे के मूल तैयार हो जाते हैं। ये पूरे वृक्ष का वर्णन वो पुराण में किया था, पर हम गीता में भी इस तरह कर दिया। तस्य संसार वृक्ष से अपर अवयव कल्पना उच्चते, यानी संसार वृक्ष के एक दो चीजें बता दी थी, बाकी जो उसके भाग हैं उनके अब कल्पना कर रहे। अदो मनुष्यादिभ्यो यावस्थावरम, नीचे माने मनुष्य से लेकर के पेड़ पौधे तक ये नीचे, और ऊर्धम च यावत ब्रह्मा विश्व से जो धर्म इति अंतम, ब्रह्मा को कहते सृष्टि करने वाला पुण्यवान है, यहां तक ब्रह्मा तक ये ऊपर है, अब ये कैसे होते हैं, ये यथा कर्म यथा श्रुतम ज्ञान कर्म फलानी, ये भी कठोपनिषद के वक्त के लिए, मनुष्य का पुनर्जन्म होता है किसके अनुसार होता है, कर्म के अनुसार, कर्म और ज्ञान के अनुसार। यानी उदाहरण हम पढ़ते हैं कि किसी ने किसी को 10,000 रुपए के 1,00,000 रुपए दान दिया, अब दान दिया तो कर्म है, अब उसने क्यों दिया कैसे दिया, उसी की कोई स्त्री कोई भाभी भांजी या कोई भी उसके प्रति आसक्ति इसलिए उसको दिया। और ये जो एक्ट्रेस एक्ट्रेस नट नटी इनको दिया, अपने ही नाम से ट्रस्ट बना करके कॉर्पोरेट दान दे देते हैं, चैरिटी से दिया, पुण्य कर्म कर रहा हूं इस हेतु से दिया, चित्त शुद्धि के लिए दिया, इसके अनुसार जन्म मिलेगा उसको, खाली कर्म के अनुसार भी, ठीक है। तो जिस कॉन्शियसनेस से जिस बोध से जो कर्म किया इसके अनुसार पुनर्जन्म होता है। अब ये जो बोध है ये सुनने से ही होता है, ऐसे ही हमारे देश में प्रचार है, मैंने लिखना पढ़ना नहीं था इसलिए नहीं, पर सुनने से ही ज्ञान होता है,
इसलिए यथाश्रुतम यथा कर्म यथाश्रुतम ये कठोपनिषद में कहा, इसका उस तरह से पुनर्जन्म होता है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर यथा कर्म यथाश्रुतम ज्ञान कर्म फलानि, ज्ञान और कर्म मिलाकर के फल हो रहा है। ये अधश्य ऊर्ध्वम को दोनों को इसमें मिला करके बता दिया। तस्य वृक्षस्य शाखा इव शाखा प्रसूता, जैसे पेड़ की शाखा है इसकी इसकी शाखा है। प्रगता प्रसूता है मैंने प्रगता फैली हुई इधर उधर गई हुई। गुण प्रवृद्धा गुण ही सत्वरजतम हो गई, ये गुण है। प्रवृद्धा सूर्य कुर्ता मोटा हो जाता है। उपादान भूत ही यानी गुण ही उपादान बन जाते हैं, इससे मोटा होता रहता है। विषय प्रवाला विषय शब्दादय प्रवाला इव देहादि कर्म फलेभ्या शाखाभ्या अंकुरी भवन्ति इव तेन प्रवाला विषय प्रवाला शाखा। यानी ये जो मुख्य शाखा है इसकी इससे अंकुरित होती है वह प्रवाल। संसार वृक्ष से परम मूलम उपादानम कारणम पूर्वमुक्तम, संसार वृक्ष का जो मुख्य मूल है वो ब्रह्म है वो बता दिया। उपादान कारण माने वो निमित्त कारण उपादान कारण सब वही है। अथ इदानीं कर्म फल जनित राग द्वेषादि वासना मूलानि इव धर्माधर्म प्रवृत्ति कारणानि, कर्म के फल से जो आसक्तियां उत्पन्न हुई आसक्ति द्वेष इत्यादि वो भी मूल जैसी हैं, उसी से पुण्य पाप की प्रवृत्तियां बनती हैं। अवंतर भावीनी अवंतर माने उस मुख्य मूल को छोड़ करके दानी अधच देवादि अपेक्षा अध माने देवादि लोग छोड़ करके नीचे मूलानी अनुसंततानी अनुप्रविष्टानी कर्मानुबुंदीनी कर्म धर्म धर्म लक्षण अनुबंध पश्चात भाव वेशम उद्भूति अनुभवती इति। यानी पुण्य पाप जो करता है उसके आधार पर ये नीचे उसके जन्म होते रहते हैं। उद्भूति अनुभवती यानी अगले अगले जन्म का अनुभव हो जाता है। इति तानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके विशेषता अत्र मनुष्याणाम कर्माधिकार प्रसिद्ध। ठीक है, अब ये जो है ना ऐसा किसी को दिखता है क्या? न रूपमस्येह ततो उपलभ्यते नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनम सुविरूढमूलम असंग शास्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। यानी इसको समझने की कोशिश मत करो। कहानी बताई थी कि मैंने दो साधु एक मंदिर में रहते हैं, एक साधु हमेशा खुश रहता है, दूसरा भाई जीवन वगैरह पवित्र है उसका, किंतु कभी कभी ऐसा पजल दिखता है और कहता है पता नहीं ऐसा कहता रहे। अब किसी ने कुछ कहा नहीं, सब लोग ऐसा सुनते हैं। फिर एक दिन कहते है समझ गया और खुश हो गया, तब सबका कुतूहल बढ़ गया। तो ये साधु लोगों की ओर से उसके पास गया और कहा कि आपको देखता हूं इतना अच्छा जीवन है, ये किस चीज की वरी है आपको? तो बोले क्या बताऊं, दो चार शास्त्र पढ़े, कुछ भी सोचा, तो भगवान को समझना तो बहुत ही सरल है, आसान है, परंतु मन में आता था इस दुनिया को समझू।
कितने शास्त्र पढ़े, कितना सोचा, ये बिल्कुल समझ में नहीं आती थी। तो फिर आज समझ गए आप? बोले हाँ, आज एक क्लैश हो गया कि दुनिया समझने की चीज नहीं है, ये समझ गया। ठीक है, तो इसलिए कह रही है ऐसा ही समझने लाएगी, और समझने की कोशिश करोगे फंसते जाओ। इसलिए इसका इस प्रकार का रूप जैसा वर्णन किया गीता, ऐसा न उपलब्ध है, आदमियों को ऐसे उपलब्धि नहीं होती है। अब इसका अंत अगर देखने जाओ तो इसका अंत का पता ही नहीं चलता, न स्पेस में न टाइम में। और अब फिर उल्टी तरफ देखने लगे, शुरू कहां से हुआ? कोई नहीं है, हमेशा ही चल रहा है। अरे किसमें टिका हुआ है? कुछ भी नहीं दिखता। तो फिर क्या करो, इतना वर्णन आपने किया, क्या करो? भले ये जो अश्वत्थ है ना, असंग नाम का एक शस्त्र उठाओ, और ये जो अश्वत्थ है ना, सुविरु उड़ा है, तो इसके रूट्स वगैरह सब ऐसे पक्के बैठे हुए। तो असंग नाम का शस्त्र लो, दृढ़ शस्त्र लो, उसे काटो और आगे चले जाओ, बस और उपाय नहीं है दूसरा। न रूपम अस्य यथा वर्णितम तथा न वो उपलब्ध थे, ऐसे नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? स्वप्न मरीच्युदक माया गंधर्व नगर समत्वा दृष्ट नष्ट स्वरूपो हिस्सा। अब स्वप्न में कुछ चीज दिख रही, करो इसका स्पष्टीकरण, ये हो सकता है। स्वप्न खत्म हो जाएगा तो खत्म हो जाएगी। इसी तरह से मरीच्युदक माने मेरा पानी दिखता है डेजर्ट में, इसको क्या करोगे? है ही नहीं हो। माया, माया माने जादू, जादू से कोई चीज दिखाता है फिर गायब हो जाती। गंधर्व नगर, आकाश में ही शहर दिखने लगता है। तो ये जो है समत्वात, इनके जैसा दृष्ट नष्ट स्वरूप हो, देखते देखते खत्म हो जाता है ये दुनिया। तो एनालाइज करने के लिए किसी को पकड़ के रखना पड़ेगा ना, पर ये तो देखते देखते ही खत्म हो जाता है। अतएव न अंतो न पर्यंतो निष्ठा समाप्ति वा विद्यते, इससे इसका एंड कहा है मिलते ही नहीं। तथा च न आदि हित आरभ्य वयम प्रवृत्त इति न केनचित गम्य थे, ऐसा ऐसा शुरू हुआ ऐसा नहीं कोई जान सकता। न च संप्रतिष्ठा स्थिति मध्यमस्य न केनचित उपलभ्यते, माने अंत नहीं शुरू नहीं तो बीच का भी पता नहीं क्या हो रहा है। अश्वत्थम एनम यथोक्तम सुविरूढ़ मूलम सुष्ठु विरूढ़ानी विरोहम गतानी मूलानी अस्य, इन्हें अपने आप खत्म नहीं हो रहा है, इसमें रूप बड़े पक्के हैं। तम एनम सुविरूढ़ मूलम असंग शास्त्रेण असंग पुत्र वित्त लोकेशन दिव्य उत्थानम, ठीक है। असंग माने ये पुत्र वित्त लोकेशन दिव्य उत्थानम, व्युत्थान उठ जाना, तेन असंग शास्त्रेण दृढ़ेन परमात्मा विमुख्य निषेध दृढ़ीकृते न। मैंने ये करता कैसे, परमात्मा के प्रति मुंह बना लो पक्का, ठीक है, पक्का बना लो है? तो ये बोला है असंग दृढ़ न असंग शास्त्र, तो दृढ़ कैसे होगा असंग शास्त्र? परमात्मा के प्रति निश्चय करो, उससे दृढ़ होगा। पुनः पुनः विवेक अभ्यास में निश्चित है ना, विवेक बार 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 करना पड़ता है। एक ऐसा है पत्थर पर उसको घिस के पैना बनाते हैं ना, ऐसा ही रूपक है। तो रूपक आचार्य पूरा फुलाते छित्वा संसार वृक्षम सभी जो मुद्रित, इसको बीज के सहित काट दो, ऊपर का बीज नहीं नीचे के बीज। तत पदम तत् परिमार्गितव्यम यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूया तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये
यत प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी तथा इसके बाद तत् पदम परिमार्गितव्यम्, वो पद ढूंढना है कौन सा जिसमें जाने पर वापिस नहीं आना पड़ता। वो जो आदि पुरुष है उसी को शरण जाओ जिससे ये सारा निकला उसी को सोचो। ठीक है, ओम प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रयी कृपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः।